रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप पहले सोच रहे होंगे कितने अरसे बाद मैं कैसे नमदार हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली ब्रीफ करता हूँ कि क्या क्या हुआ और मैं इतने अरसे बाद ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि हम लाहौर गए हुए थे मेरा अपना वीज़ा प्रोटेक्ट करवाने के लिए, तो लाहौर की पहले आप ये वीडियोस देखें। हाँ जी तशरफ भाई जी, भाई जी बोले। आ जाएं आप, आ जाएं। कहाँ जा रहे हैं हम? ये कौन सी जगह है, इतनी बड़ी लग्जरी सी फीलिंग आ रही है। ये पाकिस्तान है? ब्लॉग आपका। अच्छा तो ऑरेंज ट्रेन है ये? ये वाकई पाकिस्तान की ऑरेंज ट्रेन है जिसके बारे में सुना हुआ था लोगों ने। हेलो, ये पाकिस्तान है? नहीं, ये कतर है। अच्छा कतर है, कतर एयरलाइन पे जा रहे हैं। ये चाइनीज बोर्ड भी लगा हुआ है, चाइनीज। तो ये आपकी प्राइम लोकेशन है जहाँ से आपने बैठना है। हम और ट्रेन के मज़े लेने आए हुए हैं, लाहौर पहुंच गए हैं। जमशेद भाई को सैर कराते हैं और ट्रेन की। जमशेद भाई कहते हैं कि रिक्शे में जाते हैं। मैंने कहा इधर बैठो, हुकूमत पाकिस्तान इतना कच्चा कर दिया है, खाली चलाई कर रहे हैं, कोई सवार नहीं है। रही है, अब हम इसमें सवार होंगे और अनार कली जाएंगे। कहाँ है आपकी ट्रेन? वो सामने आ रही है, लाइट बनाती हुई। अभी उसे पता नहीं हुआ किसी को हो गई है कि नहीं। ट्रेन आ रही है रायग्राम के और प्लेटफॉर्म के दरमियान रास्ते का ख्याल भैया। आप उतरा है ट्रेन से फिर? अच्छा अंडरग्राउंड स्टेशन है ये ट्रेन है, जा रही है। अलविदा कर दिया आपने? चले जी, एग्जिट कर रहे हैं। अब आप एनार के लिए उतरे हैं? ठीक है। जी भाई, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको ऑरेंज ट्रेन का? बहुत ही अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा एग्जाम है उन्होंने। ट्रेन बनाई है। अब क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ लोगों ने? जो ट्रेन बनाई है अच्छी बनाई है? नहीं, बनाई तो फिर आप एग्री हैं? सेटिस्फाई है? सेटिस्फाई है, खाने का ना डलवाना चाहिए नहीं है। मोटरसाइकिल ले लेना चाहिए। तो आपने तो पहले मोटरसाइकिल वाला काम ही किया? मैंने किया। आपके हुक्मरान थे? सहूलत है, आपके हुक्मरान थे
लवलीस्ट फीलिंग है, इधर देख ले अन्य वहाँ खर्च होगा, फीलिंग देख कर ले। लिफ्टर से तो शरभ भाई उतर गए। बाहर जा रहे हो? ये है जी हमारा प्यारा अनार गली। अभी इसके काम हो रहा है, यहाँ रक्षे का पता करो या रक्षा देखते हैं, हमें अपनी मंजिल पे सही ले जाएंगे। मेट्रो नहीं, मेट्रो से जाएंगे यार। नहीं नहीं, मेट्रो लंबा करेगा, मेट्रो ने काम लंबा कर देना है तो फिर इशू हो जाएंगे, हमारा टाइम की शॉर्टेज हो जाएगी, हमने वापस भी जाना है आज। फिर लगता है खुद ही चलाने पड़ेंगे। हाँ खुद ही कर लेते हैं, ये तो फिर बाहर मुल्क वाला साफ हो गया। लाजमी बात है, वैसे भी आप बाहर जा रहे हैं माशाल्लाह। तो अब आप कहाँ जा रहे हैं फिर? रक्षा नहीं कराया? रक्षा मैंने नहीं करवाया। क्यों? रिक्शे वाले कहते हैं ये इतनी बड़ी सहूलत बनाई हुई है, हुकूमत ने तो इसे अवेयर करना चाहिए। क्या कहता है, पैसे जाया कर रहे हो? तो पैसे बचा रहे हो? इधर बैठो, 20 रुपए लगाओ। मतलब पैसे बचाने के चक्कर में शेख बन गए अब? हाँ, या शेखा शेख बनेंगे तो बचत होगी, तो भाई खड़ा होगा ना। अच्छा हाँ भाई, ये किधर जा रहे हैं आप? ये तो सुरंग सी है। खैर हो, सुरंगे टापने लगे आजकल। खैर है, मेट्रो है इसलिए पुरानी हो गई है, खतरनाक किस्म के साउंड आ रहे हैं इसके। इससे बेहतर है कि चल पड़े आप, भागे भागे भागे। ओ साइडें टूट गई हैं इसकी, लिमिट पूरी हो चुकी है भाई, साइडें टूट गई इसकी। ये मेट्रो का टिकट घर है, फुल ही आप देख रहे होंगे। ये जी मेट्रो की खस्ता हालत है, देख सकते हैं आप। अभी कुछ ही अर्सा हुआ है, 3-4 साल और मेट्रो ख़त्म हो गई है, और टिकट स्टिल और एक ट्रेन की तरह ही है एक्सपेंसिव। हाँ सही कह रहा है। ये मेट्रो जा रही है, हम स्किप कर चुके हैं, ये वाली मेट्रो हम स्किप कर चुके हैं बाय द वे, हम रह गए इससे, नगली पे बैठेंगे आप। बस उतरे तो उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब मुझे याद आया कि जिस काम के लिए हम आए हुए हैं तो वो पासपोर्ट तो मैं घर भूल आया हूँ। जब मैंने जमशेद को ये बात बताई तो वो भी हक्का बक्का रह गया कि पासपोर्ट के बगैर तो काम भी नहीं होगा। हम परेशान हो गए फिर, ना हम हंस सकते थे ना रो सकते थे, तो एक अलहदे मतलब के सिचुएशन बन गई थी, मतलब जिस काम के लिए आए थे वो काम भी नहीं होना था। और फिर हमें स्टे करना पड़ा एक दिन और मज़ीद लाहौर में। उससे ये हुआ कि चलो हमने घूम फिर लिया ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक स्टे हमें ज़्यादा पड़ गया था जिसकी वजह से हम थक भी गए थे काफ़ी। और फिर नेक्स्ट दिन मेरे भाई ने मेरे दोस्त को दिया, वो ट्रेन पे आ रहा था, उससे मैंने ले कि फिर नेक्स्ट दिन प्रोटेक्ट करवा के फिर हम उसे अगले मतलब कि उसी दिन हम शाम को और रात को वापसी की ट्रेन हमने पकड़ी और घर चले गए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें इंटरेस्टिंग यही था कि मैं पासपोर्ट भूल गया था और मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया था वही तो भूल गया था सर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।